है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे वेज नूडल। ये बहुत आसान तरीके से मैंने बनाए हैं, तो इसे कैसे बनाते हैं तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले हम नूडल्स को बॉईल करके लेंगे, इसलिए यहाँ पर मैंने एक बड़ी कढ़ाई ली है। आप पतीला भी ले सकते हो। इसके अंदर मैंने पानी डाला है 3-4 ग्लास। अब इसके अंदर मैं नमक डाल रही हूँ 1 चम्मच और 1 चम्मच नॉर्मल तेल डाल रही हूँ। अब इसके अंदर मैं 2 चिंग नूडल्स के पैकेट जो होते हैं उसको बॉईल करने वाली हूँ। हमें पानी इतना लेना है कि नूडल्स उसमें अच्छे से डूब जाएंगे। जब पानी में उबाल आने लगेगी तभी हमें इसके अंदर नूडल्स मिक्स करने हैं, ठंडे पानी में नहीं डालना है। और पैकेट के पीछे लिखा रहता है कि इसे कितने मिनट तक हमें उबाल लेना है। यहाँ पर मैंने 2 से 3 मिनट के लिए नूडल्स को उबाल लिया है। हमें यहाँ पे नूडल्स को 90% ही पकाना है, पूरा पकाना नहीं है। जब हम नूडल्स को तोड़ के देखेंगे तब नूडल्स के अंदर हल्का सा कच्चापन होना चाहिए, इतना हमें नूडल्स को पकाना है। यहाँ पर मैं एक फोर्क और चम्मच की हेल्प से नूडल्स को अलग अलग कर रही हूँ। नूडल्स को तोड़ नहीं रही हूँ, सिर्फ नूडल्स को अलग अलग कर रही हूँ। जैसे वो नूडल्स का केक होता है ना, तो इसे हमें सेपरेट करना है। आप भी फोर्क की मदद से इसे अच्छे से कर सकते हो। कितनी आसानी से खुल जाते हैं देखो नूडल्स। अब कोई भी कंपनी के नूडल्स यूज़ कर सकते हो, पर नॉर्मली हर जगह इंडिया में चिंग का पैकेट अवेलेबल होता है, इसलिए मैंने चिंग नूडल्स यूज़ किया है। और इसके पीछे सारे इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं कि इसे कैसे उबालना है, कितने पानी में और कितने मिनट के लिए। तो आप एक बार उसे रीड कर लीजिए और उसके बाद ही इसे पकाना। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे और हेल्पफुल लगते हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और आपके फैमिली दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तेल डालने से नूडल्स खिले खिले बन जाते हैं, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ नूडल्स को कितना पकाना है। एक नूडल को तोड़ के इसके अंदर हल्का सा एक वाइट स्पॉट दिखेगा, तो उतना ही हमें पकाना है, मतलब ये थोड़ा सा कच्चा है। जब हम इसे वेजिस के साथ स्टर फ्राई करेंगे तब ये अच्छे से पक जाएगा। यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा कंटेनर लिया है, उसके ऊपर छन्नी रखी है और छन्नी के अंदर हम इसे अभी छान लेंगे। हमें इसे ड्राई करना है, मतलब इसके अंदर का सारा पानी निचोड़ लेना है और इसे ठंडा होने के लिए रख देना है। तब तक हम सारी वेजिस को फ्राई कर लेंगे। जब हम इसे छान लेंगे ना, तब इसके अंदर हम ठंडा पानी डालेंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए, इसकी कुकिंग प्रोसेस बंद हो जाए। वरना ये गर्म रहेगा तो जितना हमने कच्चा रखा है वो उतना पक जाएगा, इसलिए इसके ऊपर ठंडा पानी डालना ज़रूरी है। ठंडा पानी डालेंगे और थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको सेपरेट कर लेंगे। ये देखिए, मैं ठंडा पानी डाल रही हूँ और ये अब इसके ऊपर ऑयल लगा के मैं इसको अलग अलग करके साइड में रख दूंगी। अब यहाँ पर मैं एक पैन लूँगी, यहाँ पर बड़ी सी कढ़ाई लेनी है और हाई फ्लेम पे ये सारी कुकिंग हमें करनी है। यहाँ पर मैंने 3 से 4 बड़े चम्मच तेल डाला है, ये नॉर्मल कुकिंग ऑयल है। आपके पास तिल का तेल होगा तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। अब इसके अंदर 1-2 चम्मच गार्लिक डालूँगी, बारीक बारीक कटा हुआ गार्लिक है ये, और 1/2 टीस्पून अदरक डालूँगी। और यहाँ पर मैंने एक छोटा सा अनियन को लंबा लंबा स्लाइस किया हुआ है वो डाला है। 1/2 कप कैबेज डालूंगी, मतलब पत्ता को भी, और एक छोटा सा कैरेट था उसको भी मैंने लंबा लंबा काटा है। यहाँ पर मैंने सारी सब्जियों को लंबा लंबा काटा है। यहाँ पर आप आपके पसंद की सब्जियाँ इसमें डाल सकते हो। मुझे इतनी सब्जियाँ पसंद है मेरे घर पर सबको, तो मैंने इतनी ही डाली है। और इसे हाई फ्लेम पर हमें 2 मिनट के लिए पकाना है। सब्जियों के अंदर क्रंच रहना चाहिए। अब इसके अंदर मैं 1 टीस्पून ग्रीन चिली सॉस डालूंगी। अगर आपके पास ग्रीन चिली सॉस नहीं है तो आप रेड चिली सॉस की मात्रा बढ़ा सकते हो। और यहाँ पर मैंने वापस 1 चम्मच रेड चिली सॉस भी डाला है और 2 चम्मच सोया सॉस डालूंगी और इसे भी अच्छे से मिक्स कर दूंगी।
और इसके अंदर मैंने स्वाद के हिसाब से नमक डाला था, वो क्लिप मिस हो गई है। याद रखें हमने नूडल्स के अंदर भी नमक डाला है, तो नमक संभाल के डालिए। अब इसके अंदर मैं नूडल्स डालूंगी जो हमने पहले से ही बॉईल करके रखे हैं, और इसे अच्छे से 2 चम्मच की हेल्प से मिक्स कर लूंगी। हमें नूडल्स को टॉस करना है, इसलिए मैंने 2 छोटे चम्मच की हेल्प से इसे किया है मिक्स, ताकि नूडल्स टूटे ना और हमें आसानी हो इसे मिक्स करने के लिए। नूडल्स अच्छे से मिक्स हो गए हैं। जब नूडल्स पक जाएंगे तब हम इसके अंदर थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन डालेंगे, जो हरे प्याज का हरा हिस्सा होता है उसे कट करके डालूंगी गार्निशिंग के लिए। आप चाहें तो इस स्टेज पे जब नूडल्स अच्छे से पक जाएंगे गैस बंद करने से पहले विनेगर डाल सकते हो, पर मुझे पसंद नहीं है इसलिए मैंने विनेगर डाला नहीं है। अब इसे मैं सर्व करूंगी। इसे आप गरम गरम ही सर्व करें ठंडियों के मौसम में। और इसे ऊपर वापस गार्निश करूंगी स्प्रिंग अनियन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।